अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। माना कि आपको मेरा सवाल पसंद नहीं, लेकिन कितने सालों से पूछ रही हूँ, कभी तो जवाब दो ना माता रानी। किस बात का जवाब चाहिए तुम्हें माता रानी से, मैं एक बिटिया? पंडित जी, ये मेरे और माता रानी के बीच का सवाल है। अच्छा बाबा, ये बताओ कृष्ण कमल लाने के लिए हर रोज जंगल में क्यों जाती हो? माता रानी रोज सारे जग की मुसीबतों का बोझ उठाती और कभी शिकायत नहीं करती, तो इनकी एक मुस्कुराहट के लिए उनकी ये भक्त उनका पसंदीदा कृष्ण कमल तो ला ही सकती है। और जब माता रानी का हाथ सर पे है तो किस बात की चिंता। और आज आपसे भी एक मिन्नत मांगनी, आज मेरी तरफ से आप दो चार मंत्र एक्स्ट्रा पढ़ दीजिए, आज का दिन बहुत खास है। आज दीदी का जन्म। बस उसका नाम मत लो, जानती हो तुम उसने क्या किया? जी, लेकिन ना ही मेरा इंतजार खत्म होगा और ना ही मेरी दुआएं, कभी तो मां मेरी भी सुनेंगी। मैं लोगों के डर से उनके लिए दुआ मांगना बंद तो नहीं कर सकती ना, आखिर वो मेरी बहन है। खैर, मुझे अभी खीर और वस्त्र दान करने जाने। आपकी खीर मैंने आपके कक्ष में रखवा दी। ये तोड़ने फोड़ने की आवाज, आज छोड़ेंगे आले आ ए मत। ए, रुको। कौन हो तुम लोग और ये सब क्या कर रहे हो? ओ मैडम, ये जमीन हमारे बिल्डर की है और अब यहाँ होटल बनेगा, इसलिए सारी जमीन हमें खाली चाहिए। ऐसे कैसे खाली करवा सकते हो? ये जमीन इस मंदिर की है और इन सबका इस पर बराबरी का हक है। कुछ लोगों के घर है यहाँ पर तो कुछ लोगों की रोजी रोटी है, इस तरीके से जबरदस्ती तुम इनका हक इनसे नहीं छीन सकते। अच्छा, कौन रोकेगा हमें? हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं रोकूंगी, लेकिन इन पर इस तरीके से अत्याचार नहीं होने दूंगी। मान किया है तुमने, इसकी सजा तो वो खुद तुम्हें देंगे।
अगर मरने का शौक ना हो तो लौट जाओ और इस जमीन के पैसे भी तुम लोगों को मिल जाएंगे। थैंक यू माता रानी। मेरा अतीत मेरा दर्द है, वो बाजी में हारा था। एकांश, लेकिन इस बार और आज बाजी में ही जीतूंगा। जीता रहे। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अपनी सारी तकलीफें दूर करने के लिए ही तो यहाँ खास मन्नत मांगने आए हो। बस मेरे लिए वो फूल ले ताकि मेरी मन्नत पूरी हो सके। ऑफ कोर्स माँ, मेरी माँ कोई मन्नत मांगे और उसका बेटा पूरा ना कर सके, ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी हर विश पूरी होगी माँ। मेरा बर्थडे पर गिफ्ट तुझे मैं दे रही हूँ। ये बहुत ही सुंदर है, तुम्हें ये बहन भी तो इतनी सुंदर है। कल को अगर मैं कहीं चले जाऊँ तो तुम इसे देख के मुझे याद कर लेना। और आज तो धरती का बोझ बढ़ा दिया होगा तुमने। क्यों, इतनी मोटी लग रही हूँ क्या मैं? बस हाँ, उसका कॉपीराइट सिर्फ मेरे पास है। मैं तो तेरी आंसुओं की बात कर रही थी। अपनी बहन के बर्थडे पे दो तीन बाल्टी तो बहा ही देती है तू। चुप कर, रोए मेरे दुश्मन। मैं तो अपनी दीदी के बर्थडे पर सबका मुंह मीठा करा रही हूँ। ले तू भी ठूस। यही ना तूने कायदे वाली बात। बहुत सारा है, आराम से खाना। महक, अरे नेहा, आज तो तेरी सगाई है ना? हाँ, और मेरे मंगेतर चाहते हैं कि मैं बालों में स्पेशल मोगरे का गजरा लगाऊं, जो सिर्फ तेरे यहाँ मिलता है। बस वही लेने आई हूँ। बिल्कुल, अभी लाती हूँ। ये ले, तेरे लिए मेरी तरफ से तेरी सगाई का गिफ्ट। इस अपशगुनी से तू अपनी सगाई पर कुछ नहीं लेगी, समझी? माँ। क्या माँ? जो अब तक एक बिन ब्याई है, जिसका नाम सुनते ही लड़के वाले लोग दूर से ही हाथ जोड़ के चले जाते हैं, और तू इससे गजरा लेके अपनी सगाई को मनहूस बनाना चाहती है क्या? आंटी, दिल से दिया है, फिर गजरा कैसे अपशगुनी हो सकता है? खुद की शादी नहीं हो रही है ना, इसीलिए तो दूसरों की शादी पे काली नजर डाल रही है। सही कह रही हो बहन। पता नहीं बड़ी वाली किसके साथ मुंह काला करके भाग गई है। और ये छोटी वाली देखो, दूसरों की शादी तुड़वाने पे बैठी है। इसकी माँ को ना ऐसे घटिया संस्कार देने के लिए ना सजा देनी चाहिए। बस आंटी, अगर आपको गजरा नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, लेकिन आप मेरी माँ और दीदी के लिए कुछ नहीं बोलेंगे। बोलेंगे, चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे। क्या कर क्या लेगी तू? हाँ, ये करूंगी, भिगो भिगो कर लाठियां बरसाऊंगी, हाथ पैर तोड़ दूंगी। तू चुप कर, और जरूरत पड़ी ना तो आंखें भी फोड़ दूंगी। प्लीज तू चुप कर रहा। खबरदार, खबरदार जो मेरी बेटी के खिलाफ एक शब्द भी कहा ना, किस किस का मुंह बंद करवाएगी वंदना? फिलहाल तो तेरा। हाथ हटा, चल निकल यहां से, चल निकल यहां से, चल निकल यहां से। तू भी निकल, चल निकल।
चल बेटा ले जा अपनी माँ को, सगाई मुबारक हो। क्या ड्रामा चल रहा है? टिकट चाहिए? हाँ दूँ क्या आपको टिकट? तुझे क्या लगा तुझे कोई भी कुछ भी बोलकर चला जाएगा और तेरी माँ चुप रहेगी? चुप हो जा। कहा है कि अपनी बहन के नाम के ताने सुनना बंद कर। वो तो अपनी ऐश और आराम की जिंदगी के लिए ना जाने कहां भाग गई और उसकी सजा ये शहर खामखा हम दोनों को दे रहा है। और तू वैसे तो बड़ी शेरनी बनती है और अपनी बहन के नाम पर भीगी बिल्ली क्यों बन जाती है? कब तक उसके हिस्से की गालियां सुनती रहेगी तू? भूल जाओ उसे, वो लड़की नहीं, बुरी खबर है हमारे लिए। माँ कम से कम आज तो दीदी को कुछ मत कहो। क्यों ना बोलूं, क्यों ना कहूं? वहां है आपकी मन्नत का फूल। मैं तो माता रानी से सिर्फ एक ही दुआ मांगती हूँ कि काश तेरी होने वाली सास तेरी गृह प्रवेश के लिए खुद आरती की थाली लेकर आए। हाय आंटी, ऐसा लगता है आपकी जबान पर सरस्वती माता का वास हो गया है। क्या वो देखो, कोई तो मैडम आ रही है थाली लेकर। जी मुझे अपनी मन्नत के लिए कृष्ण कमल का फूल चाहिए। आंटी वो तो आज मुझे एक ही मिला था और वो मैंने खुद ही मंदिर में चढ़ा दिया। उसके बगैर तो मेरी मन्नत अधूरी रह जाएगी। सॉरी आंटी, आज आसपास की दुकानों में भी तोड़फोड़ हुई है तो कहीं और नहीं मिल पाएगा। मतलब तुम चाहती हो कि एक भक्त की मन्नत अधूरी रह जाए? मैं तो ऐसा कभी चाह ही नहीं सकती आंटी। मेरे बस में रहे तो मैं पल में सबकी मन्नत पूरी कर दूं। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए आंटी, एक बार मेरे दुकान के सारे फूल बिक जाएंगे मैं खुद आपके लिए कृष्ण कमल फूल लेकर आऊंगी। उम्मीद है उतना वक्त तो होगा आपके पास। वक्त का कांटा तो माता रानी के हाथ में होता है, उनकी इच्छा के बगैर किसी की किस्मत नहीं बदलती। मंदिर में इंतजार करूंगी तुम्हारा। जी Excuse me. तुम आप मतलब सर आपको पता है हमारे मंदिर की एक मान्यता है, जो भी सच्चे दिल वाले लोग होते हैं माता रानी उन्हें कम से कम 3 बार दर्शन के लिए बुलाती। और देखिए आप तो आज ही के दिन 2री बार आ गए। मैं तब भी आपको थैंक यू बोलने के लिए ढूंढ रही थी। सारे फूल पैक कर दो।
जी, पर मैं सुबह आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। सारे फूल पैक करो तो मैं तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। एक मिनट सर, इतना घमंडी और रूड होना भी अच्छी बात नहीं। मैं आपको तब से थैंक यू बोले जा रही हूँ और आप है कि मुझ पे चढ़े जा रहे। माना कि माता रानी ने आपको किसी चीज की कमी नहीं होने दी, आपको अमीर बनाया, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पैसों की दौलत हर जगह ढाले। लेक्चर खत्म हो गया तुम्हारा, तब सारे फूल पैक कर दो। क्यों, क्यों करूं मैं आपका ऑर्डर पूरा और क्यों दूं मैं आपको अपने सारे फूल डस्टबिन में डालने के लिए? मैं जानती हूं आपको किसने भेजा है। आपको उन आंटी ने भेजा है ना, ताकि मैं उनके लिए उनका कृष्ण कमल फूल ला सकूं। लेकिन मैं एक इंसान के लिए बाकी भक्तों के साथ गलत नहीं होने दे सकती। आज गुंडों ने बाकी सारी दुकानें तोड़ दी हैं और अभी मंदिर के पट बंद होने में समय है। अगर मैंने आपको सारे फूल दे दिए तो बाकी भक्त क्या बिना फूल के दर्शन करेंगे? हम छाट रखी है क्या तूने? तो ये भला आदमी हमारे सारे फूल लेकर दो दिन तक हमें घर पे बैठ कर आराम करने का मौका दे रहा है। ऊपर से तो इसी पर खिसियाई बिल्ली की तरह चढ़ी जा रही है। एक शब्द ही बोलना। सर, मेरी बेटी थोड़ी सी जल्दी है, इसकी बात का बुरा मत मानिएगा। मैं करती हूँ ना आपके लिए सारे फूल पैक, तू क्या करिए, चल हेल्प कर मेरी। सर सर, हमें पकड़ने दो सर। सर तुम लोग जाओ। वो देख, एकांशी क्या कर रहा है तू? पूरी फूलों की दुकान उठा लाया। मेरी माँ गरम जमीन पर नंगे पैर चलने वाली थी, ऐसा कैसे होने दे सकता हूँ? माँ बाप जा सकते हैं। मंदिर की आखिरी सीढ़ी तक गया, अंदर नहीं गया। चल आज मेरे साथ चल, अंदर चल के माता रानी के दर्शन कर। नहीं माँ, मेरे लिए आप ही मेरी भगवान। कितना संस्कारी लड़का है, और तू बेवजह उससे झगड़ रही थी। इतना अच्छा लड़का आज के जमाने में किसी लड़की को मिल जाए ना, तो उसकी तो किस्मत ही खुल जाएगी। माँ मुझे थोड़ा काम, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। वैसे तुझे क्या लगता है, शादीशुदा होगा? उसी से जाके पूछ लो, मैं चली कृष्ण कमल लेने। मैं माल लाए हो? लो। रुको, तो अब तुम्हें उस जमीन के मुझसे नकली पेपर चाहिए ताकि तुम उस जगह पर गैर कानूनी माल बना सको। अच्छा, तुम इतने समझदार हो। बिल्कुल। तेरा इंतजाम करके रखा था, तेरा ये जमीन हथियाने का धंधा अब मेरा।
जोश में होश खोने वाले लोग अक्सर शमशान में मिलते हैं। जानता है तो फिर इतने जोश में यहाँ आया क्यों? शमशान जाने के लिए तैयार हो जा। बताओ कृष्ण कमल, एक तरफ एक आदमी अपनी दिलदारी से सारे गरीबों का दिल जीत ले, तो दूसरे ही पल उसके अखड़पन को देखते लगे कि उसके बाल ही लूं छूं। कभी कभी तो लगता है जैसे माता का भक्त हो, और कभी लगे जैसे भगवान को मानते ही। अब ऐसे थाली के बैंगन को कैसे समझें? पीछा तो नहीं कर रहे ना? मुझे कुछ काम था। काम? जंगल में? उधर आपने कुछ सुना क्या? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं सुना। इधर उधर सब एक जैसा है यहाँ पर। ये जंगल है सर, यहाँ सब एक जैसे ही होगा ना? आई नो, इसलिए तो रास्ता भटक गया हूँ। मुझे तो लगता है कि आप बचपन से ही भटके हुए। कुछ नहीं, चलिए मैं आपको सही रास्ता दिखाती हूँ। वैसे तो ये जंगल काफी पुराना है, पर हम लोगों को यहाँ आना अलाउड है। रुको, कहाँ जा रही हो? आपने कुछ सुना? अरे मैंने कुछ नहीं सुना, प्लीज मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे रास्ता दिखा दो। चलिए। मेरे लिए वो फूल, ताकि मेरी मन्नत पूरी हो सके।
मेरी माँ कोई मन्नत मांगे और उसका बेटा पूरा ना कर सके, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं प्यार भी शिद्दत से करता हूँ और नफरत भी।